हेलो स्टूडेंट, सुपरस्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जैव विकास को कवर करेंगे। चलिए स्टूडेंट, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझात अंग की बात करते हैं तो होमोलॉगस ऑर्गेन इसे बोलते हैं। कुछ मतलब जो ऐसे अंग जो उत्पत्ति संरचना में एक समान हो, कैसे हों, जो उत्पत्ति और मूल रचना में एक समान हों परंतु कार्य के अनुसार उनमें भिन्नता पाई जाए, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, समझात अंग। तो समझात अंग की परिभाषा क्या, ऐसे अंग जो उत्पत्ति संरचना में एक समान लेकिन कार्यों में भिन्न हो, उन्हें हम कहते हैं समझात अंग। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, समझातता। क्या बोलते हैं, समझातता। और इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है होमोलॉजी। क्या कहा जाता है, होमोलॉजी। जैसे अगर हम बात करते हैं सील के फ्लीपर, जो सील मछली होती है उसके फ्लीपर, और पक्षियों के पंख, किसके पंख, पक्षियों के पंख, और साथ ही साथ चमगादड़ के पंख, किसके पंख, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अंगली टांगे और मनुष्य के अंगले हाथ। देखिए ये उत्पत्ति संरचना में अगर आप हम इसकी बात कर लें, चित्र में अगर हम देखते हैं सील के फ्लीपर की बात करते हैं, इनकी जो हड्डियों की संरचना, अगर हम बर्ड्स की, बर्ड जो है मतलब चिड़िया है उसकी संरचना को देखते हैं, तो आप लोग जानते होंगे ह्यूमरस, ह्यूमरस हड्डी, रेडियस अल्ना, और जो हाथों उंगलियों में पाए जाने वाले फैलेंजेस जो हैं आपकी, ये जो कहने का मतलब ये हड्डियाँ हैं। और साथ ही साथ बैट माने चमगादड़ जो होता है उड़ने वाला, चमगादड़ उड़ने वाला होता है, लेकिन इसके पंखों की अगर बात करते हैं तो इसकी संरचना अगर हम देखते हैं, और साथ ही साथ घोड़े जो कि दौड़ सकता है उसके पैरों की संरचना की बात करें तो हड्डियों का जो क्रम है उसको देखिए आप, और साथ ही साथ मनुष्य के अंगले हाथ जो कि ग्रेस्पिंग में काम आते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य के जो अंगले हाथ होते हैं वो हाथों के द्वारा मूवमेंट करता है, चीज़ों को उठाता है। आप लोग इनकी हड्डियों की अगर बात करें तो ह्यूमरस है ऊपरी जो आपकी हड्डी है हाथ की कंधे से जुड़ी हुई, तो ये आपकी ह्यूमरस हो गई, और हाथ के जो उंगलियों से यानी हथेली से जुड़ी हुई, तो कोहनी से लेकर हथेली तक जो हड्डी होती है रेडियस अल्ना होती है, आप लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे इनकी बात करें। और साथ ही साथ आपके पंजे हैं उनकी, हाथ के पंजों की उंगलियों में जो हड्डियाँ हैं फैलेंजेस जिन्हें बोलते हैं, इन सब की संरचनाओं को देखिए तो उत्पत्ति संरचना में लगभग कैसी हैं, एक समान है लेकिन कार्यों में भिन्न भिन्न। कहने का मतलब घोड़ा दौड़ने के काम आते हैं उसके पैर, अगर हाथ मतलब मनुष्य के हाथ की बात करते हैं तो वो किसी चीज़ को पकड़ने में काम आते हैं। साथ ही साथ बैठ के अगर पंखों की बात करें तो उत्पत्ति संरचना में तो समान है लेकिन कार्य में क्या, वो उड़ने का लक्षण है उसका। फिर साथ बात करते हैं वर्ड, वर्ड भी उड़ती है, और साथ ही साथ सील, सील क्या होती है, फ्लीपर के द्वारा मूवमेंट यानी पानी में वो हिलाएगी तब वो तैरती है। तो सबका कार्य कैसा है, भिन्न भिन्न है लेकिन उत्पत्ति संरचना में देखने में कैसी हैं, एक जैसी संरचनाएं दिखती हैं, ऐसे अंगों को हम क्या बोलते हैं, समझात अंग बोलते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर आप लोग बड़े अच्छे से समझे होंगे कि समझात अंग क्या है। तो समझात अंग क्या होता है, जो उत्पत्ति संरचना में एक समान हो लेकिन कार्य कैसे हों, भिन्न भिन्न। जैसे घोड़े का काम होता है पैरों से क्या होता है, दौड़ना, मनुष्य के हाथों का काम होता है क्या, मतलब हाथ किसी चीज़ को पकड़ना, और साथ ही साथ आप जानते हो बैट का, पंखों का काम क्या होता है, उड़ना का, और जैसे फ्लीपर की बात करें अगर सील के फ्लीपर तो वो तैरने में काम आते हैं। तो कार यहाँ पर सभी का कैसा है, भिन्न है लेकिन उत्पत्ति संरचना इनके जो हड्डियों की है वो कैसी है, एक समान है, यानी उत्पत्ति संरचना में एक समान। तो ऐसे अंगों को हम क्या बोलते हैं, समझात अंग, और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, समझातता। तो आप लोग स्टूडेंट यहाँ पर बड़े अच्छे से समझे होंगे इस बात को। नेक्स्ट क्या है, समवृत्ति अंग, क्या बोलते हैं इसको, एनालॉगस ऑर्गन। तो एनालॉगस ऑर्गन क्या है, तो ऐसे अंग जो कार्यों में एक समान हो और उत्पत्ति संरचना में भिन्न भिन्न हो, ऐसे अंगों को हम बोलते हैं समवृत्ति अंग। परिभाषा यहाँ समझिए, पकड़िए परिभाषा को, मतलब कार्यों में एक समान लेकिन उत्पत्ति संरचना में भिन्न हो, ऐसे अंगों को बोलते हैं समवृत्ति अंग। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वे अंग जो समान कार्य करते हों परंतु उत्पत्ति और मूल संरचना में कैसे हों भिन्न, उन्हें हम बोलते हैं समवृत्ति अंग। अगर हम बात करते हैं कीटों और विलुप्त सरीसृप और टेरोडेक्टाइल और पक्षियों और चमगादड़ के पंख किसके लिए होते हैं, उड़ने में। आप कीटों, कीटों के पंख किस में, उड़ने में। जो सरीसृप थे विलुप्त होने वाले जैसे डायनासोर्स उड़ने वाले, तो वो भी पंखों से उड़ते थे। पक्षी, पक्षी पंखों से उड़ते, तो कार्य कैसा है, एक समान है। और चमगादड़ की पंखों की बात करें तो इनकी जो संरचना है वो भिन्न भिन्न है, उत्पत्ति संरचना कैसी है, भिन्न भिन्न है लेकिन ये कार्य क्या है, इनका एक समान है। तो ऐसे अंगों को हम क्या बोलते हैं, समवृत्ति अंग।
और ये कैसा एग्जाम्पल है, अभिसारी जैव विकास का उदाहरण है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का उदाहरण है। जैसे ड्रैगन फ्लाई जो होती है उसके पंखों को देखिए आप, साथ ही साथ जो उड़ने वाले डायनासोर्स थे टेरेनोडॉन, इसकी बात कर लो, ड्रैगन फ्लाई की बात कर लो, इसकी संरचना देख लो, और इधर ड्रैगन फ्लाई के पंखों की संरचना देख लो, ईगल की, ईगल माने चील होता है, इसकी संरचना देख लो, और साथ ही साथ बैट की संरचना देख लो। तो इनकी जो संरचनाएं हैं वो काफ़ी हद तक कैसी हैं, पंखों की भिन्न है, लेकिन ये उड़ने में कारण का क्या, तीनों तीनों चारों का काम क्या है, उड़ने का वर्क है, तो ये कैसे अंग है, संवृत्ति अंग है। अब हम बात करते हैं अगले प्रमाण की। पहली बात भौणकी यानी एम्ब्रियोलॉजी के पिता कौन है आपके, तो एम्ब्रियोलॉजी के विषय में वॉन बीयर ने बहुत अच्छे से बताया, जीवधारी भ्रूणीय विकास के दौरान पूर्वजों की भ्रूणावस्थाओं को दोहराते हैं। इनका सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जो प्रत्येक प्रत्येक जीव होता है उसकी जो भ्रूणीय संरचना होती है वो सबकी लगभग एक समान होती है, और बाद में मतलब डिफरेंट आ जाता है, विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। तो कहने का मतलब प्रत्येक जीव है वो अपनी भ्रूणीय अवस्था में अपने पूर्वजों की भ्रूणीय अवस्था लगभग कैसी होती है, सभी जीवों की कैसी होती है, एक समान होती है। ये बात कही थी किसने, वॉन बीयर ने, किसने कही थी, वॉन बीयर ने। एक और साइंटिस्ट थे जिन्हें कहा गया हैकल। तो भ्रूणीय विकास के समय जीवधारी अपने पूर्वजों की वयस्क अवस्था को पुनरावृत्त करते हैं, यानी जो वयस्क अवस्था होती है पूर्वजों की उसकी पुनरावृत्ति कौन करता है, तो इसे एक सेंटेंस कहा जाता है, बड़ा ही अच्छा सेंटेंस है, ओंटोजेनी रिपीट द फाइलोजेनी, यानी व्यक्तिवृत्त में जात्याव्रत की पुनरावृत्ति होती है। कहने का मतलब इसी को कहा जाता है पुनरावृत्ति का सिद्धांत, रिकैप्चुलेशन थ्योरी, बायोजेनेटिक लॉ भी इसे बोलते हैं। और ये किसने दिया था, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, हैकल ने दिया था, इसी को कहा गया रिकैप्चुलेशन थ्योरी, इसी को बोलते हैं बायोजेनेटिक लॉ। किसने दिया था, तो हैकल ने दिया था, और किस बात को लेकर दिया था, तो आपका आंसर होगा भ्रूणीय विकास के लिए। हम चित्रों की सहायता से थोड़ा समझते हैं, तब आप बड़े अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे जो हम कहना चाह रहे हैं। जैसे अगर मनुष्य के भ्रूण की अवस्था यानी माँ के गर्भ में जब कोई बच्चा, मनुष्य का जब कोई बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है, पेट माँ के पेट में होता है, तो आप लोग जानते हो तो कौन कौन सी अवस्थाओं से गुजरता है, तो मारुला, गैस्ट्रुला और ब्लास्टुला अवस्थाएँ, तीन अवस्थाएँ बनती हैं। तो गिल्स का पाया जाना कैसा लक्षण है, तो गिल्स का पाया जाना लक्षण है किसका, मछलियों का, बड़े अच्छे से जानते होंगे। तो गिल्स स्लिट पाई जाती हैं, जब बच्चा भ्रूणीय अवस्था में होता है गिल्स स्लिट बनाता है, और एक मतलब जब जाइगोट बनता है उससे धीरे धीरे ब्लास्टो अब जो ब्लास्टुला होती है जो डेवलपमेंट होता है कई कोशिकाओं में जब चेंज होता है भ्रूण, तो उस दौरान योग से एक अवस्था डेवलप होती है। कहने का मतलब आप चाहे कैट की देख लो, कैट माने बिल्ली होती है, बिल्ली की भ्रूणीय अवस्था देख लो, मनुष्य की भ्रूणीय अवस्था देख लो, वर्ड की भ्रूणीय अवस्था देख लो, क्योंकि जो कोई वर्ड होती है वो अंडे से विकसित होती है, तो अंडे के अंदर उसका भ्रूण बनता है, तो उसकी संरचना, और साथ ही साथ फिश की संरचना और कछुए की अगर संरचना देख लो, सुअर की संरचना देख लो, भ्रूणीय अवस्था की संरचना डेवलपमेंट, जैसे धीरे धीरे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, ऐसा कह सकते हैं, सबका अलग अलग काल है, बच्चा पैदा होने का समय अलग अलग होता है, तो सबका विकास जो होता है वो एक ही प्रवस्था को दोहराता है, इसीलिए इसको बोलते हैं, इसीलिए इस अवस्था को क्या बोलते हैं, रिकैप्चुलेशन थ्योरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायोजेनेटिक लॉ भी कहा जाता है। ये दिया था किसने, हैकल ने, और उन्होंने ये प्रमाणित किया था कि प्रत्येक जीव अपनी पूर्वजों की पूर्णावस्था को दोहराता है। कहने का मतलब पूर्वज का मतलब जो जन्म के समय जो अवस्थाएँ होती हैं, मछलियों में गिल का पाया जाना, कछुए में गिल का पाया जाना, तो ये सब जब शुरुआती स्टेज में होती हैं तो इन अंगों का पाया जाना ये प्रदर्शित करता है कि हम सभी का कभी ना कभी क्या रहा, कोई एक पूर्वज रहा। कहने का मीन्स हमारा ये है कि जितनी भी जीव जातियाँ पृथ्वी पर बनी हैं वो अपनी भ्रूणीय अवस्था को लगभग लगभग दोहराती हैं, और इससे ये प्रमाणित होता है कि हमारा कोई ना कोई एक ही पूर्वज था जिससे हम सभी सभी जातियों का उद्भव हुआ। तो इस तरीके से जैव विकास में ये प्रमाण मिलता है किससे, कंपरेटिव एम्ब्रियोलॉजी से, तो इसीलिए कहा जाता है एविडेंसेस ऑफ कंपरेटिव एम्ब्रियोलॉजी यानी भौणकी से प्रमाण। तो आप लोग स्टूडेंट बड़े अच्छे से समझे होंगे कि भौणकी से कैसे कैसे प्रमाण हम लोगों को मिले हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रमाण की बात करते हैं, पूर्वजता से प्रमाण क्या होता है। तो पूर्वजता से प्रमाण होता है कि कोई भी नई पीढ़ी, जैसे इस समय कोई पीढ़ी चल रही है जैसे हम लोग, और हम लोगों की पीढ़ी में एक ऐसा कोई लक्षण पैदा हो जाए, उत्पन्न हो जाए जो हमारे पूर्वजों में अधिक विकसित रहा हो, यानी जो लक्षण है वो पूर्वजों के आ जाएँ, तो कहने का मतलब इसे क्या कहेंगे, पूर्वजता, क्या कहेंगे।
अगर मान लीजिए किसी के पैरों में बहुत ज़्यादा बाल उत्पन्न हो जाए या उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल उत्पन्न हो जाए, ये हमारे पूर्वजों का लक्षण था कभी, तो इस लक्षण का पाया जाना ये प्रूफ करता है कि हमारे पूर्वज का ये लक्षण इसमें आ गया है। तो इससे कभी कभी क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि हमारी पूर्वज पीढ़ी में ये लक्षण कभी था। तो ऐसे हमें एविडेंस मिलते हैं, किससे? पूर्वजता से प्रमाण मिलते हैं। और अगर हम बात करें शारीरिक क्रिया विज्ञान से प्रमाण की बात करते हैं, तो शारीरिक क्रिया विज्ञान क्या होता है, जैसे पाचन की क्रिया को ले लीजिए, तो जो एंजाइम पाए जाते हैं भोजन पचाने के लिए, तो जैसे अगर जानवरों की अगर हम आहार नाल की तंत्र की बात करें और मनुष्य की आहार नाल तंत्र की बात करें, जो इंटेस्टाइन होती है, पेट होता है, बड़ी आंत होती है, छोटी आंत, इसी तरीके मतलब जो जानवर भी होते हैं उनमें भी एंजाइम जो होते हैं भोजन को पचाने के लिए, वो लगभग लगभग जैसे आपका प्रोटीन पाचक एंजाइम हो गया, पेप्सिन, रेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, जो वसा को पचाने वाले जैसे हो गए, लाइपेज वगैरह, तो ये लगभग जो एंजाइम होते हैं ये लगभग एक समान होते हैं। और शरीर क्रिया विज्ञान से पता चलता है कि हम लोगों के पाचन की प्रक्रिया भी एंजाइमों के द्वारा लगभग सेम सेम है। तो इससे पता चलता है कि हम लोगों का विकास भी किसी एक पूर्वज से हुआ है। तो ये था हमारा शरीर क्रिया विज्ञान से प्रमाण। और आप लोग एक बात जानते हो, डीएनए की संरचना की अगर बात कर लें किसी जीव की, जैसे मनुष्य के गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 46 है। और अगर अगर यहीं पर बंदर की बात कर लें तो बंदर की गुणसूत्र संख्या कितनी है? 48। तो ओनली दो गुणसूत्र का झोल है यहाँ पर देखने को मिलता है। कहने का मतलब दो गुणसूत्र ही डिफरेंट हैं, लेकिन हम लोगों की जो का जो शारीरिक संरचना है और लक्षणों में जो अंतर है, कहने का मतलब मनुष्य बहुत बुद्धिजीवी होता है जबकि बंदर उतना बुद्धिजीवी नहीं होता है। तो ऐसे लक्षणों की अगर बात करें, एक्सटर्नल इंटरनल बॉडी की बात कर लें, तो इनमें काफ़ी समानताएं और असमानताएं देखने को मिलती हैं, मात्र गुणसूत्र के थोड़ा सा चेंज होने पर। तो कहने का मतलब डीएनए की संरचना का पैटर्न लगभग लगभग कह सकते हैं 90-95% एक समान है, फिर भी हम लोग एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों के पूर्वज एक ही थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया, हमने जैव विकास को समझा और जैव विकास के साथ साथ क्या हमने जैव विकास के प्रमाणों को समझा। तो हमने कौन कौन से प्रमाणों का अध्ययन किया, तो सबसे पहली बात अगर करते हैं जीवाश्म से प्रमाण, फिर हमने बात की आपके संयोजी कड़ियों से प्रमाण, फिर हमने अवशेषी अंगों की बात की, और इसके बाद हमने किसकी बात की थी, तो हमने यहाँ पर बात की थी संजाता समृत्य अंगों की बात की थी। फिर हमने नेक्स्ट हमने जो बात की थी शरीर आपका भौंडकी से प्रमाण, हमने भ्रूण विज्ञान के विषय में बताया, और साथ ही साथ हमने प्रमाण कहाँ से दिया था, तो शरीर क्रिया विज्ञान से प्रमाण दिया था। इस पर वीडियो को हम समाप्त करते हैं, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें।